अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फेसबुक फैमिली। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मजे में होंगे जी। ये रेसिपी है रमजान के लिए, रमजान स्पेशल मैं बना रही हूँ। और ये है मूंग की दाल और साथ कीमे के कबाब, बहुत ही हेल्दी वर्जन है। डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और इसमें जो चीजें डलनी है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। ये मैंने 1.5 कप दाल को मैं रात को गर्म पानी के अंदर सोक किया था, जो कि फूल के इतना ज्यादा हो गई। इसको हम लेंगे आधे कप का हम कुछ और बनाएंगे, ठीक है। साथ मैंने 1 kg कीमा है, ठीक है, और साथ इसके है मसाले हैं, वो मैं पहले इसको दाल को हम करते हैं चॉप, फिर आपको दूसरी चीजें बताते हैं, ठीक है। चले जी, मैं आधी दाल डाल ली है और इसको मैं चॉप करूंगी, मगर बिल्कुल मैंने पीसना नहीं है, थोड़े थोड़े से इसमें रहना चाहिए, जिसको कहते हैं दड़ से करना है हमने ना, बिल्कुल पीसना नहीं है, मैदा नहीं बनाना है इसका। तो इसको मैं अभी करने लगी हूँ। चले जी, आप ये देख सकते हैं इस तरह का मैंने किया है ना, बहुत ज्यादा मैंने आटे की तरह नहीं पीसा, बीच में थोड़ा सा उसका दाना रखना है ना, फिर उसी का ही मजा आता है। अब मैं इसी तरह कीमे को भी चॉप कर लूंगी, बहुत इसको बहुत अच्छी तरह फाइन चॉप करना है, इसलिए कि इसमें हमने कोई बेसन नहीं डालना, कोई इसमें हमने पोटैटो नहीं डालना, कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं डालना। तो इसको मैं अब करने लगी हूँ चॉप। इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें और कुछ नहीं डालना, हरी मिर्चें और मैं गार्लिक पेस्ट डालने लगी हूँ 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, और इसको मैं अब फाइन चॉप कर लूंगी। चले जी, यहां मैं रखी हुई है कुछ स्पाइसेस जो मैं आपको बताने लगी हूँ, और साथ ही मैं कीमे के साथ ही इनको मिक्स करूंगी। ये है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और आधी टीस्पून मिर्चें हैं, सूखा धनिया एंड जीरा पिसा हुआ और गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और यहाँ है सूखा धनिया, जीरा रोस्ट किया हुआ और क्रश किया हुआ, मैंने पिसा नहीं है, और ये थोड़ी सी क्रश पेपर्स है, और यहाँ मैंने रखा हुआ है 1-1 टीस्पून आपने ये डाला है दोनों मसाले, टिक्का सीख कबाब और बिहारी कबाब का मसाला, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। और साल्ट मैंने काम इसलिए रखा है कि इसके अंदर भी सॉल्ट है, तो ये मैं कीमे के अंदर डालने लगी हूँ और उसके साथ ही हम मिक्स करते हैं। ये सारी मैं इसके साथ ही मिक्स करके तो इसको मैं पीसने लगी, ठीक है। और ये मैंने ऑनियन रखा हुआ है, ये साथ ऑनियन भी साथ ही इसके जाएगा। अब मैं इसको फाइन चॉप कर लेती हूँ और वेजिटेबल बाद में डालेंगे। चले जी, मैं दाल भी इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लूँ, क्योंकि हाथ से सही मुझसे मिक्स नहीं होती, तो मैं इसके अंदर ही मिक्स कर रही हूँ। वैसे जरूरी नहीं है, अगर आपके हाथ में इतनी ताकत है तो आप खुद से करें, मुझसे नहीं होता तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चले जी, दाल कीमा थोड़ी स्पाइसी सारी मिक्स हो गई हैं, अब इसमें जाएगा काफी सारा धनिया, आई लव माय धनिया, और इसमें जाएगा अदरक क्रश किया हुआ, उधर मैं लहसुन डाला था यहाँ अदरक डाल रही हूँ, ये है ग्रीन ऑनियन, ये है शिमला मिर्च येलो वाली, ग्रीन वाली, रेड वाली, ये मैं ऑप्शनल डाली है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। आपको डालनी है डालें, नहीं डाल ना डालें, मगर किसी के पास अगर रेड वाली नहीं है, कलरफुल नहीं है, तो ग्रीन वाली डाल लें, ठीक है। तो लेकिन डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना डिफरेंट होगा आम कबाबों से, वेरी वेरी, मैं कहती हूँ मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना इसका ज़बरदस्त टेस्ट होगा। तो इसको मैं सारा मिक्स कर लूँगी, तो उसके बाद फिर हम पैटीज बना के तो इसको फ्रीज कर लें, या इसको हाफ कुक करके आप इंडिविजुअल पैटी बना के रख दें रमज़ान के लिए, तो निकालें तो बस बात खत्म। चले जी, ये मैंने कबाब रात को बना के रख लिए थे, तो अभी मैं फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। ये देखे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला इसको, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है, और हमने इसको मीडियम टू स्लो, हाई आंच पे हमने इनको फ्राई नहीं करना। तो मैं हाफ कुक करूँगी, लेकिन अब कुछ मैं आपको फुल कुक करके दिखाऊंगी, तो उसके बाद फिर मैं हाफ कुक करके फ्रीजर में रखूँगी, ठीक है जी। चले जी, माशाल्लाह हमारे कबाब देखे रेडी हो गए, कुछ मैंने हाफ कुक किए हैं, कुछ मैंने फुल कुक किए हैं आप सबको दिखाने के लिए। तो अब आप भी बनाएं इसको, ये मूंगी की दाल के और कीमे के कबाब है, आप देख सकते हैं, क्लोजअप भी देख सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं।
तो इस ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिफरेंट है, हेल्थी वर्जन है। मैंने हाफ को किस लिए किया है कि रमज़ान के लिए बना रही हूँ चीज़ें, तो इसको मैं निंजा में रखूँगी, जो थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑयल गया है वो भी साइड ड्रेन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ वाइंड अप की तरफ। इसके साथ दो चटनियाँ रखें, केचप रखें, मिंट की चटनी रखें, कुछ भी रखें, इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ वाइंड अप की तरफ, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीजिए को इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।